नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के साथ में। हमारे रिपोर्टर लगातार जो है चुनावी मौसम में जमीन पर जा रहे हैं और वहां से जनता की राय ले रहे हैं कि इस बार के चुनाव में वो किन मुद्दों पर जो है अपना मतदान करेंगे और किस से उनका उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के वो इस बार चुनाव में अपने नेता को चुनने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे रिपोर्टर आतिश दीपांकर जो है भागलपुर के नाथनगर पहुंचे थे। आपको बता दें कि नाथनगर में जो है चुनाव इसी 3 तारीख को है, यानी 3 नवंबर को है। ऐसे में उन्होंने यहाँ के लोगों का मूड जानने की कोशिश की है, खासतौर पे युवाओं का, क्योंकि एक समय में ये इलाका जो है अपराध के लिए जाना जाता था जिसमें युवा भी काफ़ी बड़ी संख्या में होते थे। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि कृषि क्षेत्र होने के बावजूद अब यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है उसका व्यवसायीकरण हो गया है और ज़मीन की खरीद बिक्री ज़्यादा होती है, यानी रियल एस्टेट का बिजनेस है। ऐसे में रियल एस्टेट के बिजनेस में युवा जो है काफ़ी मात्रा में इसमें जा रहे हैं और इसी को लेकर के हमारे रिपोर्टर ने इन सब से बात की और इस बार के चुनावी मुद्दों को जाना। तो आइए जानते हैं नाथनगर की जनता की समस्या क्या है। पता नहीं है बाईपास बनने से। दुकान तो आपने खोल लिया? खोले हैं लेकिन अभी बिक्री नहीं हो रहा है। लेकिन ये बताइए, जमीन के पीछे प्लॉटिंग तो खूब हो रहा है। हाँ, प्लॉटिंग तो हो रहा है। वो रोजगार का साधन नहीं कहिएगा? नहीं, देखिए 2 साल से प्लॉटिंग का काम नहीं हो रहा है। 2 साल से के पहले हो रहा था ना? हाँ, नोटबंदी से पहले हो रहा था। नोटबंदी के बाद रोजगार, प्लॉटिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। पैसा खत्म हो गया? पैसा खत्म। और राष्ट्रीय खर्च बहुत महंगा हो गया, आदमी लेना नहीं चाह रहा है। रोड बनने से कुछ इलाके में रोजगार में वृद्धि हुई, इनकम का स्रोत बढ़ा? इनकम का स्रोत तो वो का वो ही रह गया है, लेकिन रोड बनने से कुछ तो फायदा जरूर समाजवासी को हुआ है। क्या मतलब? आवागमन का साधन थोड़ा आसान हुआ, आसान हो गया। इलाके की जमीन की कीमत? जमीन की कीमत तो अच्छी हो गई है। हाँ। लेकिन पैसा रहेगा तब तो कोई भी जमीन खरीदेगा। पैसा क्यों नहीं? नोटबंदी है, GST है, बिजनेस रोजगार ही नहीं है कुछ, तो कहाँ से पैसा आएगा? इसमें तो लोग कुछ तो कमाया होगा जब जमीन का दाम बढ़ गया तो। हाँ, पहले कमाई था, अब कुछ कमाई नहीं है, क्योंकि अब जो है कि कुछ पहले क्या था कि 10 आदमी आते थे उसमें 8 आदमी जमीन ले लेते थे। अब क्या है कि 50 आदमी आते हैं उसमें मुश्किल से 10 आदमी जमीन ले पाते हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है किसी के पास। अब ये बताइए, चुनाव आ गया तो क्या करिएगा? इस बार सरकार चेंज करेंगे। इलाके में क्राइम घटा? हाँ, इलाके में क्राइम घटा। घटने का कारण? घटने का कारण हो गया कि ऐसे आ गया कि शराबबंदी हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा। प्रशासन सख्त हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा, जो कि पूरे बिहार का। ठीक है। इलाके में जमीन की कीमत? हाँ, इलाके में जमीन की कीमत पहले कुछ और था, उसका कीमत अभी 70% एवब हुआ है। क्यों हुआ? क्यों हुआ कि आते यातायात का साधन हुआ। क्या हुआ उसमें? यातायात का साधन हुआ, आने जाने का साधन। क्या साधन में क्या हुआ? रोड बन गया। कौन सा रोड बना? रोड कौन सा बना? ग्रामीण का भी रोड बना, अब बगल में सटा हुआ बाईपास भी बना। उसकी वजह से चीजें बदली? हाँ, उसकी वजह से बहुत सा ऐसा चीजें बदली, रहन सहन बगल का जो कि युवा मध्यम का है या बचा हुआ जो भी व्यक्ति है उस जमीन के बगल में, बाईपास के बगल में कुछ अपना रोजी रोटी कमा रहा है दुकान खोल के। जमीन भी खरीद फरोख्त ज्यादा होने लगा? हाँ, खरीद बिक्री बहुत होने लगा। क्राइम के घटने का कारण यही है क्या? ये क्राइम घटने का तो इतना तो नहीं इस पे वो कह सकते हैं कि क्या कारण से क्राइम घटा, लेकिन हाँ, प्रशासन सख्त होने के, मान लिया जी युवा वर्ग है। जमीन का कीमत क्या बढ़ेगा? किसान को तो जो जमीन रेट है वो मिलता नहीं है, जो प्लॉटर लोग खरीदता है तो उसमें प्लॉटर है, सब प्लॉटर है, उसमें मिडिल मैन है, रोजगार तो उसको भी मिला? रोजगार तो उसको भी मिला, बहुत लोगों को मिला रोजगार। तो आप क्या कहेंगे, नाथनगर विधानसभा में बेरोजगारी है या बेरोजगारी तो है ही कुछ, ऐसा थोड़ी बेरोजगारी दूर हो गया है, जो कमाने वाला लोग है वो काम कर लेगा। आप जिस मानसिकता की बात कर रहे थे वो क्या है? मानसिकता यही है हमारी कि नाथनगर विधानसभा जो है बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा था, जो भी आदमी रहा यहाँ विधायक या सांसद
वो सही ढंग से काम नहीं किया इस क्षेत्र में। अभी बहुत जगह आप जाइएगा तो आप स्कॉर्पियो से अगर जा रहे तो बहुत पता चलेगा कि ट्रैक्टर से गुजर रहे हैं, ऐसा भी रोड है। लेकिन अगर रोजगार करने वाले के मन का हो तो इस इलाके में अगर फोर लेन या बाईपास आ रहा है उसको किस रूप में देख रहे हैं? तो फोर लेन पे आके भी रोजगार कर सकता है ना, कोई भी दुकान खोल सकता है, सब किसान का जमीन है, होटल खोल सकता है, लाइन होटल खोल सकता है, उस जगह को डेवलप कर सकता है वो। रोजगार का साधन लॉकडाउन से बहुत खराब हुआ, लोग जमीन पर आ गए, उसके बाद उसको मान बढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिला, कोई साधन नहीं मिला। इलाके का जमीन तो करोड़ों में जा रहा है, क्योंकि है क्या कि वो जो चरम सीमा पर जो भ्रष्टाचार है वो 90% पैसा जो है वैसे VIP लोग का है। इलाके की जमीन की कीमत के बारे में, जो जमीन की कीमत तो जब आप कोई भी खरीदार अगर एक सामान को 10 आदमी खरीदेगा तो स्वतः रेट बढ़ जाएगा, वो भी रोजगार का तत्काल उचार चंद लोग के लिए रोजगार से रोजगार नहीं, उसको हम रोजगार नहीं मानते। नहीं, विकास तो बाईपास बनने के पहले वैकल्पिक बाईपास बन गया, विकास तो उसी समय से शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या कि जिस तरह से वैकल्पिक बाईपास का इस्तेमाल होना चाहिए था वो हो ना सका, है ना, और जिसके चलते जितनी भी ट्रकें आई, गाड़ियां आई, वो सारी गाड़ियां जो है शहर होके गुजरी, जिसके चलते शहर को बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और रहा बात की 25 साल 30 साल पहले ये पुल जो बना विक्रमशिला पुल, उसके बाद अप्रोच रोड उसका दिया ही नहीं गया, बाईपास बनने में 25 साल से ऊपर लगा। तो 25 वर्षों में जो एक्सक्यूटिव इंजीनियर होके रिटायर किए हैं अभी, वो उस समय सर्वे करने आए थे क्या कहता है बाईपास का, और नापी करवा के उन्होंने निकलवाया। वो जब रिटायर कर गए तो वो मेरे पास मिलने आए कि देखिए अब बाईपास जाके बना, ये हम लोग का कब का सब चीज किया हुआ था, नापी करवाया हुआ था, देखिए आज के डेट में बाईपास बना। हाँ, देर से काम हुआ। हाँ, बहुत लेट हुआ, और लेट के चलते जो है जैसे ठीक है जो डेवलपमेंट और पहले हो जाना था, लेकिन आज के दिन में ये बाईपास दोनों वैकल्पिक बाईपास और बाईपास के जाने के बाद आप फिर बगल से मिर्जा चौकी मुंगेर वाला फोर लेन जब जा रहा है तो विकास के बारे में कुछ सोचना नहीं है। दूसरा शहर, नया शहर भागलपुर के पैरल में नया न्यू सिटी तैयार हो रहा है। एक बात, स्थिति तो जस का तस है, अभी तक ऐसा कोई तरक्की या कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक बाईपास देखने के लिए मिल रहा है। बाईपास मिला देखने के लिए? जी हाँ, तो देखने के लिए मिला, कुछ फायदा भी हुआ? उससे बेनिफिट अभी कुछ खास नहीं है, नहीं। इसलिए कि वो जाम का एक निजात मिला, लेकिन जाम तो अभी तक यूँ पड़ा हुआ है।